और अब बात असली पेट्रोल डीजल की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर किसी को परेशान कर रखा है। जो लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनकी जेब से ज्यादा पैसे तो जा ही रहे हैं, लेकिन जिनका पेट्रोल डीजल से सीधा वास्ता भी नहीं है उन पर भी रोज रोज बढ़ते दाम का असर पड़ रहा है। आवाजाही से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होती जा रही है। अब हाल ये है कि बढ़ती महंगाई से कई लोगों का कामकाज तक ठप पड़ गया है। बालाघाट मध्य प्रदेश पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर पार। सीहोर मध्य प्रदेश खेतों में छुपाए वाहन। रांची झारखंड ट्रक मालिकों की मुसीबत। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि महंगे पेट्रोल डीजल का आने वाले दिनों में क्या असर होने वाला है। तेल की बढ़ती कीमतों से हर किसी की हालत खराब है, लेकिन अब तस्वीरें बता रही हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के बालाघाट की। यहाँ पेट्रोल ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 120 रुपए प्रति लीटर कीमत हो गई है और आने वाले दिनों में दाम इसके पार भी जा सकते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ने से तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। पहले हम 500 रुपए में लगभग 10 दिन गाड़ी चला लेते थे और अब 5-6 दिन से ऊपर नहीं चल पाता है। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और जल्दी जल्दी कम करना चाहिए। बढ़ती कीमतों के बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं पर फायदा उठाने की जंग भी चल रही है। दरअसल बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा से सटा है। ऐसे में महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप चलाने वाले बालाघाट में आकर प्रचार कर रहे हैं कि अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए तो महाराष्ट्र की सीमा में आकर तेल भरवाएं। नतीजा ये है कि बालाघाट के पेट्रोल पंप पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बालाघाट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा है। हमारा व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है। जो महाराष्ट्र के व्यापारियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेपर पंपलेट बांटे जा रहे हैं, इससे ज्यादा और व्यापार प्रभावित होता है। अब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का हाल देखिए। यहाँ ट्रांसपोर्टरों पर महंगे पेट्रोल डीजल की जबरदस्त मार पड़ रही है। फाइनेंस कंपनियों के डर से गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को खेतों में छुपा रहे हैं। दरअसल तेल की कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ रहा। ऐसे में करीब 700 गाड़ी मालिकों ने अपना काम बंद कर रखा है। ऐसे में वो कर्ज पर लिए गए इन ट्रकों की किश्त कैसे चुकाएं? लिहाजा वो ट्रकों को कहीं छिपाने की जुगत में हैं। सरकार ने डीजल इतना बढ़ा दिया है कि जिससे हम लोग गाड़ी की किस्त भी नहीं भर पाते, ना टायर ट्यूब ना सर्विसिंग करा पाते। गाड़ियां 600-700 गाड़ियां बंद है, पहिए थमे हुए हैं, जगह जगह खड़ी कर दी, छुपाना पड़ रहा है गाड़ियों को। जंगल में ले जाकर कहीं कोए पर छुपाई है, कहीं पल्लियों ढाक दी है गाड़ियों में, जिसे फाइनेंसर नहीं देगा। रांची के ट्रक मालिकों का भी यही हाल है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े कई लोगों ने अब दूसरे कारोबार की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। भुखमरी के कगार पर आ गया है ट्रक ओनर। डीजल का जो इतना लगातार वृद्धि हो रहा है, समझ लीजिए ट्रक व्यवसाय चौपट हो गया। इस लाइन से जुड़ा जितना भी आदमी है सबका धंधा खत्म हो गया। यानी यूपी हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह की जनता तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। महंगाई की मार से बेहाल जनता अपने नुमाइंदों की ओर उम्मीद से देख रही है, लेकिन वो नुमाइंदे क्या सोच रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल। जनता की कमाई और महंगाई का गणित समझाने वाले ये मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं। सरकार में होने की वजह से जनता के तकलीफों पर तर्कहीन दलीलों का मरहम लगा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है, सब याद रखती है। वो वक्त भी आएगा जब जनता हिसाब करेगी और तब नेताजी का सियासी गणित गड़बड़ा जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।